माय चैनल। तो फ्रेंड्स, ये मेहंदी की हमारी फोर्थ क्लास है और मेहंदी की जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि सर्कल किस तरह से ड्रॉ करें, क्योंकि बिगनर्स को सर्कल ड्रॉ करने में और उसके ऊपर फ्रिल लगाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एंड आई होप आपको मेरे उस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो चलिए, आज का जो हमारा वीडियो है वो मेहंदी का फोर्थ वीडियो है। तो फ्रेंड्स, आप जैसे कि जानते हैं कि आज हमारी ये मेहंदी की फोर्थ क्लास है, तो फोर्थ क्लास में मैंने सोचा कि आपको कुछ चीज़ें टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में समझाऊं। अब आप जानते हैं जैसे कि कैरी बहुत ही ज़्यादा ख़ास एलिमेंट है मेहंदी में और इससे तरह तरह के डिज़ाइंस बनाए जाते हैं, लेकिन बिगनर्स को इन डिज़ाइंस को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है और डिज़ाइंस ज़्यादातर बिगनर्स को समझ में नहीं आते हैं कि हम किस तरीके से डिज़ाइन बनाएं। तो आज मैं कुछ ख़ास ट्रिक के साथ आपको ये बताऊंगी कि किस तरीके से हम आसानी से मेहंदी के इन डिज़ाइंस को बना सकते हैं। तो जैसे कि कैरी है, कैरी में बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं, अब उन डिज़ाइंस को याद करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन आज का जो वीडियो है फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, वो इसलिए कि मैं बहुत सारे ट्रिक्स के साथ आपको बताऊंगी। अब जैसे कि इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो उसमें से मैं आपको लेटर एस के साथ बताऊंगी कि आप किस तरीके से आसानी से कैरी के डिज़ाइन बना सकते हैं। तो आज हम जो कैरी बनाना बताएंगे वो आपको लेटर एस से बताएंगे, एस फॉर स्टार से। तो चलिए, सबसे पहले हम एस बनाएंगे, तो उसे हमें थोड़ा सा तिरछा बनाना होगा। तो ये देखें, मैं इस तरीके से एस बना रही हूँ और ऐसे एस बनाने के बाद में हम इस तरीके से यहाँ से लाइन हल्की सी लेके जाएंगे, इस तरह से कर देंगे उसमें हल्का सा, देखिए फ्रेंड्स, और ऐसे कर्व देने के बाद में इसे मिला देंगे। तो है ना कितना ज़्यादा आसान इस तरीके से हमें एस बर से इस पत्ती को बनाना। तो इसका इस्तेमाल भी मेहंदी में बहुत होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम कैरी किस तरह से बनाए। तो ये लीफ तो हमने बना ही दी है, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा आसान तरीका है। इस ट्रिक से अगर आप बनाएंगे तो बहुत जल्दी आपकी समझ में आ जाएगा। अब हम कैरी बनाएंगे तो उसको भी हम इसी तरह से बनाएंगे। तो यहाँ देखिए, मैं इसी तरह से एस को ड्रॉ करूँगी और अब ड्रॉ करने के बाद में यहाँ से हम इसको इसी तरीके से मिला देंगे और ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी आसानी से हमने कैरी बनानी है। तो बहुत ही ज़्यादा आसान है इस तरीके से ये कैरी बनाना। तो अब मैं आपको दूसरी तरह से इसी लेटर एस के साथ कैरी बनाना बताती हूँ, दूसरा डिज़ाइन। तो उसको बनाने के लिए भी हम एस फॉर स्टार बनाएंगे, देखिए फ्रेंड इस तरीके से। अब यहाँ से हम कर्व देना शुरू करेंगे इस तरीके से, फिर थोड़ा सा कर्व ऐसे देंगे और फिर इसी तरीके से देंगे ऐसे। तो देखिए कितनी आसानी से हमारा डिज़ाइन बन गया है, ये भी बहुत ही ज़्यादा आसान है बनाना। तो चलिए अब नेक्स्ट डिज़ाइन की तरफ चलते हैं। तो एस फॉर स्टार से मैं आपको नेक्स्ट डिज़ाइन बनाने में बताती हूँ बनाना। इसी तरीके से हमको एस बनाना है, ये देखिए, और इस तरीके से बनाने के बाद में अब यहाँ हल्का सा हम इस तरह से कर्व दे देंगे, ये देखिए इस तरीके से, और फिर यहाँ इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे फ्रेंड्स। और फिर आप चाहें तो यहाँ भी हल्का सा इस तरीके से एक कर्व दे सकते हैं। तो ये लीजिए, ये भी हमारा डिज़ाइन बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब नेक्स्ट डिज़ाइन की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए, फिर हम एस फॉर स्टार वाला एस बनाएंगे इस तरीके से, और फिर इस तरीके से एक एस यहाँ पर बनाएंगे और इसे इस तरीके से कर्व दे देंगे यहाँ, और फिर ऐसे हल्का सा कर्व देंगे ऐसे, और फिर इसको इससे मिला देंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, ये भी डिज़ाइन हमारा बन गया है। तो है ना कितने ज़्यादा आसान
इस ट्रिक के साथ कैरी बनाना और इस तरीके से डिज़ाइन बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और एकदम से हमारे माइंड में सेट हो जाते हैं और फिर तो हम कुछ भी डिज़ाइंस बना सकते हैं इनके अलावा भी। तो अगर हमें उल्टी कैरी बनानी है तो भी हम बहुत आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि मेहंदी में तो हर तरह से कैरी हमें बनानी पड़ती है। तो यहाँ पे इस तरह से हम एस बनाएंगे और एस बनाने के बाद में इसको कर्व दे देंगे नीचे की तरफ से इस तरह से, और बस फिर यहाँ से लेकर हम एक लाइन इस तरीके से बनाएंगे, कर्व देंगे हल्का सा। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी उल्टी कैरी भी बन गई है। बहुत ही ज़्यादा आसान है इस तरीके से कैरी बनाना और ये सारे डिज़ाइंस बना। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हाफ में कैरी का डिज़ाइन हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो मैं एस फोर स्टार बनाने वाली हूँ यहाँ पर और इसे इस तरीके से कर दे देंगे। तो ये देखिए, और फिर इस तरीके से कट कर देंगे। तो ये हमारा हाफ में कैरी का डिज़ाइन भी आपने देखा होगा कि मेहंदी में बहुत ज़्यादा चलता है, तो इसको भी इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा आसान है ड्रॉ करना। सो फ्रेंड्स, अब हम इसी लीफ के साथ कुछ नया करेंगे, एक डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। तो वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ किस तरीके से। सबसे पहले इसके पास हमें एक आउटलाइन ड्रॉ करनी है हमें। तो इस तरह से हम आउटलाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पर एक हम सर्कल बनाएंगे और फिर इसके ऊपर भी एक आउटलाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इसके अंदर आप कुछ भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर इस तरीके से बस लाइनिंग खींच रही हूँ। ये देखिए, तो यहाँ हमने इस तरह से सर्कल तो बना लिया है। अब इस वाले आउटलाइन को मिक्स करते हुए शेप्स बनाएंगे हम। तो इस तरह से कुछ भी आप डिज़ाइन बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा आसान है। ये देखिए, तो अब यहाँ भी हम कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा आसान है इसी तरीके से। आप कुछ भी डिज़ाइन इसमें बना सकते हैं। इसको फिल करने के लिए अब हम इसे फिल करेंगे। तो इसे फिल करने के लिए आपको इस तरह से ये जो पेंसिल है इसको इस तरह से खड़ा इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि इस तरह से रखना है और ऐसे करने से हम इसमें शेडिंग करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से आप इसमें शेड्स भी भर सकते हैं। ये देखिए, या कैरी में भी बहुत सारे डिज़ाइंस बनते हैं, तो कुछ डिज़ाइन मैं आपको बनाकर बताती हूँ इसमें। तो कैरी में भी हम डिज़ाइन फिल कर सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन आप बना सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने यहाँ पर इस तरह से इसमें कर्व दिया है और एक और दे दिया है, बीच में थोड़ी सी डॉट लगा दी है। और अब इसके ऊपर मैं बनाने जा रही हूँ फ्रिल। इस तरह से मैंने फ्रिल बना दी है। अब इसके ऊपर एक लाइन और ड्रॉ करेंगे हम, एंड देन फिर एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। और एक लाइन को अच्छे से फिल कर देंगे। आई होप फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा और इससे आपको कुछ हेल्प मिली या नहीं। और अगर और वीडियोस आप इस तरीके के देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये लीजिए, मैंने कैरी को भी अच्छे से फिल कर दिया है और काफ़ी सारे डिज़ाइंस आते हैं कैरी को फिल करने के। और इस तरीके से काफ़ी सारे अल्फ़ाबेट्स से इस तरीके से हम एलिमेंट्स बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये डिज़ाइंस पसंद आते हैं और इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।